फ्रेंड्स 4,000 रुपए को 40,000 रुपए तक पहुंचाने की जिद्दोजहद में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप लोगों को देख के मजा आता है फॉर श्योर, और मुझे करके मजा आता है। हम पहुंच चुके हैं डे 11 पे। 10 दिन हमने जैसे तैसे सक्सेसफुली पार कर लिए हैं। डे 11 पे पहुंच चुके हैं। करंट बैलेंस यहाँ पे आप देख सकते हैं 451.34 US dollars। जी हाँ, आज के दिन का हमारा जो प्रॉफिट टारगेट होने वाला है वो होने वाला है 508 डॉलर्स तक। ठीक है, इतने तक हमें पहुंचना है। टोटल अमाउंट यहां तक पहुंचने के लिए हमें रिक्वायर्ड है 72 डॉलर्स की, और हमें जो ट्रेड करना है वो 45 डॉलर्स के अकॉर्डिंगली करना है। फ्रेंड्स आप स्क्रीन के ऊपर अभी चार्ट देख सकते हैं, इसी चार्ट के अकॉर्डिंगली हमने ट्रेड की है फ्रॉम डे 1 टिल डे 11 अभी तक। मुझे नहीं पता ये टारगेट हम अचीव कर पाएंगे आज के दिन या नहीं कर पाएंगे, लेकिन मुझे इस चीज का प्रॉपर सेटिस्फेक्शन है कि इस चार्ट को मैं प्रॉपरली फॉलो कर पाया फ्रॉम डे 1 टिल डे 10, और आज डे 11 है और आज भी हम डेफिनेटली इस चार्ट को अच्छे से फॉलो करने वाले हैं और इसके हिसाब से ट्रेड करने वाले। 3 ट्रेड अगर हमारी कॉन्टिन्यूसली लॉस चली जाती तो हम यहां पर रुक जाते, हम आगे ट्रेड नहीं करते। मार्टिंगल हम यहां पे फॉलो कर ही नहीं रहे थे इस पर्टिकुलर सीरीज में। 4,000 को 40,000 तक पहुंचाना भाई बहुत मुश्किल काम है। आप कितने परसेंट रिटर्न की बात कर रहे हो यहां पे आप खुद सोच लो। ना ही कोई बैंक, ना एफडी, ना म्यूचुअल फंड, ना ही शेयर इतना परसेंट रिटर्न आपको जल्दी में इतने टाइम में दे सकता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हर कोई ऐसा कर सकता है, कि हर कोई का मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे अलावा बाकी कोई नहीं कर सकता। बहुत सारे लोग, आप सभी लोग कर सकते हैं। लेकिन ये करने के लिए मेरा जो बोलने का मतलब था वो ये था कि अगर आप भी ऐसा करना चाहते हैं तो आपके अंदर पेशेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये डे 11 आपको दिख रहे हैं लेकिन मात्र 11 दिन में ये ट्रेडिंग नहीं की गई है, इसमें बहुत टाइम लगा है। मतलब अगर आप देखेंगे तो एक वीक में एक ही एपिसोड आता है, तो इसके हिसाब से आप देख लो कि कितना टाइम लगा है, क्योंकि एक अच्छा टाइम देखना पड़ता है, स्ट्रैटेजी की वर्किंग देखनी पड़ती है। इस पर्टिकुलर टाइम में ये स्ट्रैटेजी वर्क कर रही है या नहीं कर रही, अगर कर रही है तो ही मुझे सीरीज को कंटिन्यू करना पड़ता है, नहीं कर रही तो फिर मुझे पोस्टपोन करके नेक्स्ट डे पे ही एपिसोड लेके जाना पड़ता है। ठीक है, स्ट्रैटेजी देखनी जरूरी है, मार्केट कंडीशंस वोलेटाइल है या नहीं ये बहुत जरूरी है देखना, और भी बहुत सारी चीजें। देखो आपको न्यूज इंपैक्ट की जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं टाइम टू टाइम दे देता हूँ, और वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ टेलीग्राम पे। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ टेलीग्राम पे शेयर करता हूँ। इस महीने यानी कि जून के महीने में 13 न्यूज इंपैक्ट है भाई, भाई आग लगने वाले, बवाल होने वाला है। तो ट्रेड करो न्यूज इंपैक्ट के ऊपर, और ट्रेड करने के लिए जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा टेलीग्राम पे। कुछ नहीं करना है, टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाना है आपको। सारी की सारी इन्फॉर्मेशन की आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, मुझसे कैसे बात कर सकते हैं, टेलीग्राम पे कैसे मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे कैसे मैसेज करते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, कहीं और जाने की जरूरत नहीं। अगर आप सर्च करते हैं इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, तो बहुत सारे फेक चैनल्स मिलेंगे जो मेरे नाम पे बना रखे लोगों ने, बट उसमें ज्वाइन नहीं होना है। किसी भी तरीके से इस चैनल पे कोई पैसा आपसे नहीं लिया जाता। अगर आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका, सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि भाई ये जितनी भी सारी सीरीज मैंने बनाई हुई है प्ले लिस्ट में जाके चेक करो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से सीखने को मिलेगी। हर दिन में जो जो प्रॉब्लम हम फेस करते हैं ट्रेडिंग करते हुए, चैलेंजेस जो हमें फेस होते हैं इस अमाउंट को यहाँ तक, एक्स अमाउंट को वाई अमाउंट तक पहुंचाने के लिए, वो सारे चैलेंजेस आप खुद फेस करेंगे, आप खुद ट्रेड कर पाएंगे लाइव सिनेरियोस को देखिए। मैं हमेशा आप लोगों से कहता रहा हूँ पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अपना पार्टिसिपेशन कमेंट सेक्शन में एक्टिवली रखें ताकि आप लाइव ग्राफ पे ट्रेड कर पाएं और उस ट्रेड को मॉनिटर कर पाएं, चेक कर पाएं कि जो आपने ट्रेड बोली है उस तरीके से ग्राफ गया है या नहीं गया। 5 सेकंड पॉज कीजिए वीडियो, कमेंट सेक्शन में बताइए, और आपकी हेल्प होगी क्योंकि आप एक्चुअली रियल अकाउंट पे ट्रेड कर रहे हैं वर्चुअली, तो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली। चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सिर्फ कुछ लाइंस बोलना चाहूंगा। मुझे नहीं पता आज के दिन हम ऐसा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, लेकिन इस चैनल पे इससे पहले ऐसा बहुत बार हो चुका है। आप देख सकते हैं मैं इससे पहले भी बिगिनर सीरीज लेके आ चुका हूँ, मैं इससे पहले भी और भी सीरीज लेके आ चुका हूँ एडवांस वाली, या फिर मैं $100 to $1,000 में काफी सीरीज यहाँ पे लेके आ चुका हूँ। आप देखिए जरूर, और आपको इंस्पिरेशन अगर मिलती है, अगर आप सीख पाते हैं कुछ भी, तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़ दें और एक लाइक जरूर हिट करें। तो चलिए आज की इस वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। मैं अरविंद सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके ही अपने यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है टेक्निकल
अवे। तो फ्रेंड्स अभी आप मेरे ओरिमटेड की स्क्रीन पर हैं, आप स्क्रीन देख सकते हैं। और एक चीज आपको बता दूं, आप मोबाइल फोन से सेम चीजें कर सकते हैं, सेम एक्सेस कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको लैपटॉप की जरूरत है। तो अभी जो स्ट्रेटजी मैंने यूज की हुई है उसके अंदर मैंने दो इंडिकेटर्स यूज किए हुए हैं, बॉलिंगर बैंड और पैराबोलिक। जो वैल्यूज हैं वो बाय डिफॉल्ट हैं और ये स्ट्रेटजी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कैसे यूज करते हैं, क्योंकि ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट स्ट्रैटेजी है। और जब भी ऐसी टाइम आता ना, जब मैं बोलूं फाइनल आता है, तो मैं ये स्ट्रैटेजी ही हमेशा यूज करता हूं। अमाउंट यहां पे $45 आपने देखा होगा डाल रखी है मैंने पहले से ही, और ड्यूरेशन 1 मिनट का मैंने अभी भी कर रखा है, जो कि चेंज भी मैं कर सकता हूँ। यहाँ पे ग्राफ का जो टाइम है वो मैंने 1 मिनट कर रखा है। मैं थोड़ा सा जूम इन करके और आपको दिखा देता हूँ, बट उससे पहले हम थोड़ा सा जूम आउट करके देखते हैं कि चल क्या रहा है फिलहाल। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बोला, आप चाहे तो इस फाइनल एपिसोड में अपना पार्टिसिपेशन एक्टिव रख सकते हैं। 5 सेकंड का गैप लीजिए, पॉज कीजिए वीडियो को और कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या होने वाला है। आपके पास 3 ऑप्शन है, हमेशा की तरह वही बोलूंगा, कॉल पुट या होल्ड। आपको लगता है कि यहां से मार्केट कॉल यानी ऊपर की डायरेक्शन में जाएगा अगले 1 या 2 मिनट के लिए, तो आप कमेंट सेक्शन में कॉल बताइए। अगर पुट लगता है आपको तो पुट, या आपको लगता है कि आपको ब्रेक यानी आपको होल्ड करना चाहिए, उस कंडीशन में आप होल्ड बताइए। आपको आप बोलिए कि आप रुक जाइए 5-7 मिनट और उसके बाद ट्रेड कीजिए, या 2-3 मिनट अंटिल और अनलेस जब हमको कोई स्ट्रॉन्ग कॉन्फर्मेशन नहीं मिल जाता फ्रॉम द ग्राफ या मार्केट। ठीक है, तो चलिए हमारी पहली ट्रेड की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि आप लोग क्या सोचते हैं इस ट्रेड के बारे में। मैं पुट की डायरेक्शन में ट्रेड जो है प्लेस कर रहा हूँ, $45 आपकी स्क्रीन पे। और उम्मीद यही है कि आज, क्योंकि देखो इस पूरी सीरीज में अगर आपने देखा होगा तो मुझे ज़्यादा ट्रेड्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मतलब बहुत अच्छा रहा कि हम 1 या 2 ट्रेड ही मैक्सिमम लॉस किए, कभी 3 ट्रेड तक नहीं पहुँचे। और मैं नहीं चाहता कि आज वो दिन हो कि जिसमें हम वो 3 ट्रेड तक पहुँचे, बट और मैं ये भी नहीं चाहता कि आज वो दिन हो जिसमें हम 1 ट्रेड तक भी पहुँचे कि 1 ट्रेड में हमारी लॉस हुई, क्योंकि ये फाइनल है। ठीक है, फाइनल में आप आके अगर हार जाते हो ना तो बहुत बुरा लगता है, और सच्ची में कोई नहीं बता सकता, कोई कह भी नहीं सकता, कोई कुछ नहीं प्रिडिक्शन किया, कुछ दिमाग लगा के ये चीज़ नहीं बोल सकता कि हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या एक्चुअली कोई कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। क्योंकि यहाँ पर ना एक वही मैं आपको बताता हूँ, 50-50 वाली चीज़ें रहती है, लेकिन आप थोड़ा सा स्ट्रैटेजी यूज़ करके अपनी कॉन्फर्मेशन को स्ट्रॉन्ग ज़रूर कर सकते हो, बट अगेन सारी चीज़ें आपके हाथ में होती नहीं है कभी शुरू से ही। तो देखते हैं, अभी आप देखेंगे ये जो रिजल्ट है 0.00, मतलब हमारी ट्रेड ड्रॉ हो चुकी है। तो चलिए, ड्रॉ का तो ऑप्शन मैंने डाला ही नहीं था कमेंट सेक्शन में आप लोगों को बोलने के लिए, बट कोई बात नहीं। तो चलिए हमारी दूसरी ट्रेड की तरफ बढ़ते हैं, और मैं उम्मीद कर सकता हूँ आप लोग बहुत इंजॉय कर रहे होंगे, बहुत मजा आ रहा होगा। एक गिव अवे भी चैनल पे चालू है, अगर आपको नहीं पता तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे ऊपर आपको वीडियो का जो थंबनेल है वो दिख जाएगा। अगर आप चैनल पे जाते हैं वहाँ पे वीडियोज के सेक्शन में आपको वीडियो मिल जाएगी, गिव अवे में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है, और बहुत सारी चीज़ें आपको जो है मिल सकती हैं, प्राइजेस अप टू 3 लाख रुपीस। चलिए नेक्स्ट ट्रेड की तरफ बढ़ते हैं, या मैं कहूँ आज के दिन की दूसरी ट्रेड हमारी होने वाली है ये, बट टेक्निकली पहली ट्रेड होगी क्योंकि एक ट्रेड हमारी ड्रॉ हो चुकी है। तो चलिए हम इसकी तरफ बढ़ते हैं, और मेरी ट्रेड है पुट की डायरेक्शन में $45 डाउनवर्ड डायरेक्शन में। यहाँ पर मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं और फिर मिलते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें $36 का प्रॉफिट हो चुका है, मतलब हम पहली ट्रेड हमारी आज के दिन की प्रॉफिटेबल क्लोज कर चुके हैं। और लेट्स सी, हम चाहेंगे कि आज की जो हमारी सेकंड ट्रेड है वो भी हम प्रॉफिटेबल क्लोज करें। ठीक है, पहली मतलब टेक्निकली पहली, ओके वैसे दूसरी ट्रेड थी, और ये हमारी तीसरी ट्रेड होने वाली है। तो जिन लोगों ने भी पुट की डायरेक्शन बोला भाई कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे तो पैराबोलिक सार और हमारा जो बॉलिंगर बैंड है वो कंटिन्यूसली ये चीज़ इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, और मार्केट भी उसको सपोर्ट कर रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। और ये एक अच्छा साइन है आज के दिन के हमारी ट्रेडिंग के लिए या फिर इस सीरीज के लिए, और ये जो साइंस होते हैं ना ये समझने बहुत ज़रूरी होते हैं। तो चलिए, अगर मार्केट आपके हिसाब से चल रहा है तो आपको फिर उसी डायरेक्शन में जाना बेटर होता है, नहीं तो आपको फिर दूसरी डायरेक्शन में जाना। अब देखो यहाँ पे हमारी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंगली चेंज हुआ है,
चेंज, मतलब आप देखेंगे ये चीज हुई है, मतलब कि आगे यहाँ से ट्रेंड जो है वो चेंज होके कॉल की डायरेक्शन में हो सकता है, एक एक उम्मीद या फिर एक लगाया जा सकता है अंदाजा, ठीक है, एक अंदाजा लगाया जा सकता है, सॉरी उम्मीद अच्छा सही वर्ड नहीं था यहाँ के लिए। तो चलिए नेक्स्ट ट्रेड की तरफ बढ़ते हैं और आप अपनी प्रिडिक्शन जारी रखिएगा, मतलब करिएगा जरूर कमेंट सेक्शन में। कॉल की डायरेक्शन के लिए नेक्स्ट ट्रेड सेम अमाउंट $45 की मैंने लगा दी है आपकी स्क्रीन पे, आप देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा और जूम करके यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, आप बेटर अच्छे से देख पाएंगे। चलिए ये ट्रेड को फिनिश होने देते हैं, उसके बाद मिलते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे मेरी जो ट्रेड है वो लॉस हो चुकी है $45 की, और जिन लोगों ने बोला पुट की डायरेक्शन सही है वो लोग भाई जीत चुके हैं, ठीक है। तो अब भाई आपने देखा होगा कि यहाँ पे ना एक फॉल्स सिग्नल हमें मिला है, ये देखिए ये एक फॉल्स सिग्नल था ये हमें मिला, तो इसलिए अब हम पेयर चेंज करेंगे, अब हम सेम पेयर पे ट्रेड नहीं करेंगे, हम USD के पेयर पे ट्रेड नहीं करेंगे, अभी हम पेयर चेंज करना हमारे लिए बेटर रहेगा, क्योंकि देखो हाँ ठीक है ओके दिस वन इज गुड ओके। सो फ्रेंड्स यहाँ से हम वापस से हमारी शुरुआत करते हैं, कोई बात नहीं, एक ट्रेड पॉजिटिव, एक ट्रेड नेगेटिव, एक ट्रेड ड्रॉ। चलिए चौथी ट्रेड आज के दिन की हमारी अगेन $45 की, क्योंकि हमारी एक ट्रेड ही लॉस हुई है, अभी हमारे दो ट्रेड का मौका है, बट मार्टिंगल यहाँ पे हम फॉलो नहीं करेंगे, $45 के ही ट्रेड लेंगे, और उम्मीद करते हैं कि ये जर्नी ना आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना जाए, बट अगर लंबी जाती है तो ट्रस्ट मी बहुत ज़्यादा चीज़ें जो आपको सीखने को मिलेंगी ना वो बहुत हेल्पफुल होंगी, वीडियो को पूरी ज़रूर देखना, ट्रस्ट मी एक बार आप पूरी देखेंगे आप जब वीडियो को एंड करेंगे आपको लगेगा कि ये जो टाइम आपने यहाँ पे इन्वेस्ट किया है वो डेफिनेटली वर्थ है। ओके नेक्स्ट ट्रेड कौन से डायरेक्शन में लेनी चाहिए, 5 सेकंड का टाइम है आपके पास, कमेंट सेक्शन में बताइए। कॉल की डायरेक्शन में नेक्स्ट ट्रेड $45 आपकी स्क्रीन पे। तो फ्रेंड्स यहां पे आप देख सकते हैं ड्रामा कंटिन्यूस, ये हमारी ट्रेड प्रॉफिटेबल हो चुकी है और अगेन हमारा जो ड्रामा है वो फिर से कंटिन्यू हुआ, क्योंकि आप देखेंगे लास्ट सेकेंड के जो फ्लक्चुएशन होता है ना उसमें हमने ये प्रॉफिटेबल क्लोज की, क्योंकि देखो ये मार्केट की जो स्ट्रैटेजी उसको सपोर्ट कर रही है, हालांकि पैराबोलिक का हमें सपोर्ट नहीं मिला इस पर्टिकुलर ट्रेड के लिए, बट ठीक है लेट्स सी। तो आज के दिन की हमारी 5th ट्रेड जो है वो देखते हैं किस डायरेक्शन में होगी, बट आपका क्या कहना है बताइए कमेंट सेक्शन में। कॉल की डायरेक्शन में नेक्स्ट ट्रेड $45 की आपकी स्क्रीन पे। तो फ्रेंड्स क्या आप वही देख रहे हैं जो मैं देख पा रहा हूं, अभी एक हिस्ट्री बनने जा रही है कुछ ही क्षणों में, अगर ऐसे ही ग्राफ रहा तो, मतलब हिस्ट्री का मतलब शायद बहुत कम लोग ऐसा कर पाते होंगे जो आपने और मैंने करके दिखाया है, अगेन 4000 रुपीज को 40000 रुपीज में इन 11 डे विथ प्रॉपर मनी मैनेजमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट प्लान। देखो हो सकता है ओके, तो यहाँ पे $36 का हमें प्रॉफिट हो चुका है, अब यहाँ पे बैलेंस देख सकते हैं $515.24, हमें पहुंचाना कितना था, हमें $500 तक पहुंचाना था $100 को, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 5 हमने किया जस्ट 11 डेज में, टेक्निकली 11 डेज में हमने किया, मतलब ट्रेडिंग हमने सिर्फ 11 डेज करी और हमने टारगेट जो है हमारा अचीव कर लिया। मुझे पता है मेरे साथ आप सारे लोग भी बहुत ज्यादा खुश होंगे, अब ये जो अमाउंट है डेफिनेटली मैं नहीं रखने वाला हूँ, उसको मैं गिव अवे करने वाला हूँ आप लोगों के साथ, आप मुझे बताइएगा किस तरीके से हम इसका गिव अवे कर सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में, और भी बहुत सारी चीजें मुझे पता है आप लोग भी मेरे साथ बहुत ज्यादा खुश होंगे, क्योंकि ये जो जर्नी है ना बहुत टाइम से स्टार्ट की थी और बहुत लोगों के कमेंट्स मिलते थे कि हम ये चीज सीख रहे हैं, हमें ये सीखने को मिल रहा है। अगर मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था उसके पीछे मोटिव जो था वो लर्निंग ही था, एजुकेशन ही था, मैं आप लोगों को ये चीज सिखा सकूं अगर आप ट्रेडिंग करते हैं क्या सही तरीका है जिससे आप ट्रेडिंग कर सकते हैं विद प्रॉपर प्लानिंग मैनेजमेंट एंड एग्जीक्यूशन, तो वो कहीं ना कहीं हमें पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है, और आप देख सकते हैं आज हम कहां पे पहुंचे, आपकी बदौलत सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाती है, अगर आप प्यार सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखेंगे तो आने वाले टाइम में और बहुत सारी चीज़ें आपको इस चैनल से देखने को मिलेंगी। अगर अभी तक आपने ओलिम ट्रेड में ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं, और ये जो सीरीज है फाइनली आज के दिन खत्म हुई और जो हमने प्लान किया था वैसा ही हुआ, डे 11 तक ही फिनिश हो गई,
तो अलग ही सेटिस्फेक्शन है यार इस चीज़ का कि मैं आगे एक्सटेंड नहीं कर पाया। इससे पहले जो भी सीरीज हमने शुरू की है वो आगे ही बढ़ी है, वो कभी भी टाइम पे पूरी नहीं हुई है, बट ये सीरीज फर्स्ट टाइम हमारी टाइम पे पूरी हुई है तो बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट टाइम वी क्रिएटेड हिस्ट्री। आप जाके देखेंगे ऐसी चीज़ें बहुत कम लोग कर पाते होंगे। आप ऐसे थंबनेल्स देखेंगे 4,000 rupees into 40,000 rupees इन जस्ट 5 minutes 10 minutes, बट 5 or 10 minutes में इतना पैसा बनाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। मैं हमेशा से आपको कहता हूँ, ये आपको दिखाया जाता है बनेगा ऐसा कुछ भी नहीं। स्लो प्रोसीजर जो होता है ना, धीरे धीरे ही पैसा बनाया जाता है, धीरे धीरे से आप पैसा बना सकते हैं। और जो मैं आपके साथ हमेशा शेयर करता हूँ, माना कि मेरी वीडियोज़ को व्यूज़ नहीं मिलते, कम आते हैं, बट जितने भी जो व्यूज़ मिलते हैं मैं हमेशा, चाहे इतने व्यूज़ मिलते रहे, मैं हमेशा काम करता रहूँगा, हमेशा आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन लाता रहूँगा, ऐसी इन्फॉर्मेशन जो एक्चुअली आपके काम आए, ना कि सिर्फ व्यूज़ बढ़ाने के लिए हो। तो चलिए आज के इस वीडियो को इस सीरीज़ के साथ विराम देते हैं, मुलाकात करेंगे और एक्साइटिंग वीडियोज़ के साथ, और इसी उम्मीद में कि आप इस वीडियो पे एक कॉमेंट जरूर छोड़ेंगे। मैं अरविंद सिंह विदा लेता हूँ आप लोगों से। स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।